नमस्कार, 9:09 ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 9:09 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की। सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का होगा उद्घाटन। पीएम मोदी करेंगे नए सर्किट हाउस का उद्घाटन। 9:00 की ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पहली बड़ी खबर की। सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी नए सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया जाएगा। सुबह 11:00 पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं 9:09 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पहली बड़ी खबर की। सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया जाएगा। पीएम मोदी करेंगे नए सर्किट हाउस का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले, सुबह 11:00 पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का किया जाएगा उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे सर्किट हाउस का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया जाएगा। सुबह 11:00 पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। नौ ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पहली बड़ी खबर की। जो आपको बताते चलें, सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया जाएगा। पीएम मोदी करेंगे नए सर्किट हाउस का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया जाएगा। सुबह 11:00 पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। नौ ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। गुरुवार को प्रदेश में मिले 9,558 नए केस। एक्टिव केसों की संख्या की अगर बात की जाए तो 61,620 पहुंच गई है। 59,558 संक्रमित आइसोलेशन में हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 9:09 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी बड़ी खबर की। गुरुवार को प्रदेश में 9,558 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव केसों की संख्या 61,620 पहुंच गई है। वहीं होम आइसोलेशन की बात की जाए तो 59,558 संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। 24 घंटे में 7,276 मरीज ठीक होकर के घर वापस लौट चुके हैं और 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत भी हुई है। संक्रमण जो दर है वो बढ़ करके 20.10% पहुंच गया है। तो आपको बताते चले, हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। गुरुवार को प्रदेश में 9,558 केस सामने आए। एक्टिव केसों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 61,620 पहुंच गई है। होम आइसोलेशन में 59,558 संक्रमित सामने आए। 24 घंटे में 7,276 मरीज ठीक होकर के घर भी जा चुके हैं। लेकिन आपको बताते चले, जो संक्रमण फैल रहा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि कोरोना का कहर लगातार जारी है। आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है बल्कि आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में आप सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना है और मास्क का इस्तेमाल करना है। अगर ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। और 2 गज की दूरी का विशेष तौर पर आप सभी को ख्याल रखना है। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। गुरुवार को प्रदेश में 9,558 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव केसों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 61,620 पहुंच गई एक्टिव मरीजों की संख्या और होम आइसोलेशन में 59,558 मरीज हैं। 24 घंटे में 7,276 मरीज ठीक होकर के घर जा चुके हैं। तो जो मरीज ठीक होकर के घर जा रहे हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है। और आपको बताते चले, 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत भी हुई है। तो हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में आप सभी को गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना है क्योंकि अभी भी हम ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर लोग लापरवाही लगातार बरत रहे हैं। और पहली और दूसरी लहर में जो डर लोगों के अंदर था वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर अभी लापरवाही की गई तो आने वाले समय में और ज्यादा स्थिति भयावह हो सकती है। इसलिए आप सभी को अपना ख्याल रखना है, घर वालों का ख्याल रखना है और कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना है। नौ बजे के 9:09 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। गुरुग्राम में मिले हैं 2,845 नए संक्रमित। गुरुग्राम में एक्टिव केस की संख्या 24,831 पहुंच गई है। 2 संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। तो आपको बताते चले, गुरुग्राम में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम से सामने आ रहे हैं।
गुरुग्राम में एक्टिव केस की संख्या 24,831 पहुंच गई है, एक बड़ा आंकड़ा कोरोना का पार हो गया है। गुरुग्राम में दो संक्रमित मरीजों की मौत भी हो गई है। तो वहीं आपको बताते चले, फरीदाबाद में 1,285 नए संक्रमित मिले हैं। फरीदाबाद में एक्टिव केसों की संख्या 12,462 हो गई है। तो आपको बताते चले, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा केस सामने आते चले जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं फरीदाबाद में मौत की संख्या की, तो एक मरीज की मौत हुई है। करनाल में 482 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, हिसार में एक्टिव केस की संख्या 1,525 पहुंच गई है, एक मरीज की मौत हुई है हिसार में। करनाल में एक्टिव केसों की संख्या की बात की जाए तो 2,767 हो गई है। तो वहीं आपको बताते चले, हरियाणा में लगातार कोरोना का कहर जारी है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं, 24,831 एक्टिव केस गुरुग्राम में बताए जा रहे हैं। तो वहीं हिसार में एक्टिव केस 1,525 पहुंच गए हैं, एक मरीज की मौत हुई है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं तीसरी बड़ी खबर की। करनाल में 882 नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में 12,462 नए संक्रमित सामने आए हैं। फरीदाबाद में मिले 1,285 नए संक्रमित। तो वहीं आपको बताते चलें, 24 घंटे में 1,285 मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव केस की अगर बात की जाए फरीदाबाद में तो 12,462 पहुंच गई है संख्या। गुरुग्राम में एक्टिव केस 24,000 के पार पहुंच गए हैं और 24 घंटे में 2,845 नए संक्रमित मिले हैं। तो गुरुग्राम में स्थिति लगातार चिंताजनक होती चली जा रही है, आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में प्रशासन तो पूरी तरीके से तैयार है, 6 बजे के बाद मार्केट्स को भी बंद कर दिया जाता है, लेकिन आप सब कितना तैयार हैं, आप क्या गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी बाजारों में हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं जहां पर लोग लापरवाही लगातार बरत रहे हैं, 2 गज की दूरी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ऐसे में आप सभी को अपना ख्याल रखना है, गाइडलाइंस का पालन करना है, क्योंकि लगातार प्रशासन जागरूक है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अगर आप गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो आप कोरोना को मात नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लगातार आंकड़ों में वृद्धि होती चली जा रही है। और एक तरफ आंकड़े बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की, तो ओमिक्रॉन के भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में हमें दो लड़ाइयां लड़नी है, कोरोना को भी मात देना है और ओमिक्रॉन को भी मात देनी है। लेकिन हम दोनों को तभी मात दे सकते हैं जब हम गाइडलाइंस का पालन करेंगे। इसलिए आप सभी से प्रशासन लगातार अपील कर रहा है, हर खबर भी आपसे यही अपील करता है कि आप गाइडलाइंस का पालन करें और मास्क का इस्तेमाल करें। नौ बजे के 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की। हरियाणा में टीकाकरण अभियान पर जोर दिया जा रहा है। गुरुवार को 1,21,244 लोगों को टीका लगाया गया है। अभी तक आपको बताते चले, 3,84,45,267 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। तो वहीं आपको बताते चले, हरियाणा में अब टीकाकरण अभियान पर लगातार जोर दिया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ आप देखिए हरियाणा में भी कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में वैक्सीनेशन और गाइडलाइंस का पालन करके ही हम कोरोना को मात दे सकते हैं, इसलिए अब हरियाणा में टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। गुरुवार को 1,21,284 लोगों को टीका लगाया गया है। वहीं अभी तक 3,84,45,267 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। 2,22,07,554 लोगों को पहली डोज भी लग चुकी है। तो वहीं 1,61,47,818 लोगों को डबल डोज लग चुकी है। तो आपको बताते चलें, गुरुवार को 1,21,284 लोगों को टीका लगाया गया। अभी तक 3,84,45,267 लोगों का टीकाकरण हो चुका है और इसमें 2,22,07,554 को पहली डोज लग चुकी है। तो वहीं 1,61,00,000 को से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। तो आपको बता दें, हरियाणा में टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है लगातार। आपको बताते चलें, टीकाकरण अभियान को लेकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना को हम मात दे सकें। ऐसे में गुरुवार को 1,21,284 लोगों को टीका लगाया गया, एक बड़ी संख्या में यहां पर वैक्सीनेशन हुआ है, क्योंकि हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में
वैक्सीनेशन पर लगातार बल दिया जा रहा है और गुरुवार को 121,284 लोगों को टीका लगाया गया है। वहीं अभी तक अगर हम बात करते हैं पहली डोज की, तो 2,22,07,554 लोगों को पहली डोज भी लग चुकी है और अभी तक 3,84,45,263 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। तो एक बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन हुआ है गुरुवार को, 121,284 लोगों को टीका लगाया गया, एक बड़ी संख्या है ये। तो ऐसे में आप सभी को भी वैक्सीन लगवानी है क्योंकि प्रशासन लगातार अपील कर रहा है और कोरोना गाइडलाइंस का विशेष तौर पर ख्याल रखना है ताकि कोरोना को हम मात देख सके और साफ तौर पर अपने परिवार का ख्याल रख सके और अपना भी ख्याल रख सके। इसलिए भीड़ भाड़ वाले एरिया में आप जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करिए, 2 गज की दूरी का विशेष तौर पर ख्याल रखिए और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिए ताकि कोरोना को हम मात दे सके। आपको बताते चले, हरियाणा में टीकाकरण अभियान पर फिलहाल जोर दिया जा रहा है। 9 बजे के 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की। यूपी में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। गुरुवार को प्रदेश में मिले 18,554 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। गुरुवार को प्रदेश में 18,554 नए केस सामने आए। एक दिन में आप सोचिए 18,000 से ज्यादा केस मिलना कितनी ज्यादा चिंता वाली बात है। ऐसे में क्यों आखिरकार आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि लोग यहां पर लापरवाही लगातार बरत रहे हैं। प्रशासन तो अपील कर रहा है, प्रशासन लोगों के चालान काट रहा है, लोगों से अपील कर रहा है, लेकिन यहां पर लोगों की लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ती नजर आ रही है। यूपी में गुरुवार को 18,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की मौत भी हुई है। तो वहीं आपको बता दें एक्टिव केसों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 97,229 पहुंच गई है। तो एक्टिव मरीजों की संख्या भी यहां पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में आप सभी को ध्यान देने की जरूरत है और गाइडलाइंस का पालन करने की जरूरत है। यूपी में भी तेजी से कोरोना पैर पसारता चला जा रहा है। गुरुवार को प्रदेश में 18,554 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। तो आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, हम कहीं की भी बात करते हैं। ऐसे में हम सभी को अपना ख्याल रखना है और गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना है और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन अभियान पर जोर देना है और वैक्सीन भी लगवानी है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 97,329 पहुंच गई है। 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई है। गुरुवार को प्रदेश में 18,554 नए केस सामने आए हैं। के 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं छठवीं बड़ी खबर की। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, प्रियंका गांधी जारी करेंगी घोषणा पत्र। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। तो आपको बता दे चले, प्रियंका गांधी घोषणा पत्र जारी करने वाली हैं। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। तो आपको बता दें विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया जाएगा आज। दिल्ली से खबर बता रहे हैं 9 बजे के 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं छठवीं बड़ी खबर की, जहां पर यूपी चुनाव के मद्देनजर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। विधानसभा चुनाव के लिए जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे राहुल और प्रियंका। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर प्रियंका गांधी जारी करेंगी घोषणा पत्र। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होगा। 9 बजे के 9 बड़ी खबर में हम बात कर लेते हैं सातवीं बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का अलर्ट। 26 जनवरी से पहले आतंकी हमले का अलर्ट देखा गया है, खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं सातवीं बड़ी खबर की।
जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 26 जनवरी से पहले ही आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों ने यह अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ। 26 जनवरी से पहले आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया। खुफिया एजेंसियों ने यह अलर्ट जारी किया है। नौ बजे की नौ बड़ी खबर में बात कर लेते हैं आठवीं बड़ी खबर की। कोहरे और कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। ठंड का कहर लगातार जारी है। ठिठुरन से लोग परेशान हो रहे हैं और अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में तापमान सामान्य से कम है। मौसम विभाग ने चेतावनी भी दे दी है। उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश की संभावना भी बनी हुई है। बारिश और ओले गिरने की संभावना लगातार बनी हुई है। तो आपको बताते चले, कोहरे और कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुसीबत को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं आठवीं बड़ी खबर की। कड़ाके की ठंड और ठिठुरन से लोग लगातार परेशान होते चले जा रहे हैं और अब ऐसे में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कई इलाकों में तापमान सामान्य से कम नजर आ रहा है, तो वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी। आपको बताते चले, उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश की संभावना भी बनी हुई है। बारिश और ओले गिरने की संभावना लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है कि आप सभी को अपना ख्याल रखना है, क्योंकि अभी और ज्यादा ठंड बढ़ सकती है, क्योंकि आने वाले समय में बारिश की संभावना यहां पर बनी हुई है। ऐसे में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और सड़कों में घना कोहरा छाया हुआ है। नौ बजे की नौ ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं नौवीं बड़ी खबर की, यानी आखिरी खबर की। महेंद्रगढ़ से आपको एक खबर बता देते हैं, जो आप पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। महेंद्रगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, भवानिया रोड पर सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, दो की हालत गंभीर बनी हुई है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं आखिरी बड़ी खबर की। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। एक बाइक पर 3 लोग सवार थे, जहां पर एक की दर्दनाक मौत हो गई है। बाइक फिसलने की वजह से यह हादसा हुआ है। दो की हालत गंभीर बनी हुई है। महेंद्रगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर भवानिया रोड पर सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, दो की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। एक बाइक पर सवार थे 3 लोग। बाइक फिसलने की वजह से यह हादसा हुआ है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।